शहर के गांधी सेवा सदन में जवाहर बाल मंच के द्वारा की गई समन्वय बैठक, कई सदस्यों को नए पदभार के साथ सौंपी गई जिम्मेवारी। जवाहर बाल मंच के जिला प्रभारी आशीष सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्हीं के विशेष लगाव से पूरे भारतवर्ष में जवाहर बाल मंच के बैनर तले बच्चों के प्रतिभा सशक्तिकरण करने के लिए बैनर तले उन्हें प्रेरित किया जाएगा। वैसे बच्चे जिन्हें पढ़ाई एवं अन्य सुविधाओं से वंचित हैं, उनको बेहतर और सशक्त बनाने के लिए जवाहर बाल मंच के द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। गांधी सेवा सदन में जवाहर बाल मंच की ओर से एक समन्वय बैठक की गई, जिसमें कई लोगों को जिम्मेवारी देते हुए बच्चों के प्रति सुदृढ़ एवं विकास कार्य का विकास की ओर ले जाएंगे। मौके पर विशाल रवानी ने कहा कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहा है, उन्हें पहुंचाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश कोऑर्डिनेटर सह ट्रेनिंग इंचार्ज और धनबाद जिला प्रभारी मैं आशीष सिन्हा, विशाल रवानी जी को आज मैं जवाहर बाल मंच में सदस्यता, उन्होंने जो लगभग 40 लोगों का समर्थन इन्होंने सदस्यता दिलवाई है, इससे बेहद हमारा संगठन जो है काफ़ी सशक्तिकरण होगा धनबाद जिला में और जिले को संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं और ये हमारा विचारधारा पूरी पूर्ण रूप से हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काफ़ी महान प्रधानमंत्री जो थे और वो बच्चों लोगों से काफ़ी लगाव रखते थे और बच्चों लोगों से लगाव रखने के कारण हमारा जवाहर बाल मंच ये संगठन नाम पड़ा, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने जोर शोर से हम लोग बच्चों के प्रति सशक्तिकरण करने के लिए, उनका चरित्र का निर्माण करने के लिए हम लोग प्रेरित। इस संगठन का मकसद यही है, सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों लोग को चरित्र का निर्माण करना, किस प्रकार से हमारा बच्चों लोग सुदूर क्षेत्र में शिक्षा से अवगत नहीं है, स्वास्थ्य से अवगत नहीं है, तो उसको हमारे इस बैनर तले हम लोग उस बच्चों लोगों को फिर जा करके तरह तरह के कार्यक्रम करके हम लोग बच्चों लोगों को सशक्तिकरण करेंगे, ताकि हमारा संगठन रूप से और बच्चों लोगों को काफ़ी मेहनती ढंग से हम लोग अवगत कराएंगे। युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं अभी के समय में, देखा जाता है ज़्यादातर युवा है जो अपराध में जा रहे हैं, रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? इस युवा पीढ़ी को जो भटक रहे हैं, ये आपके विचार से मैं भी अवगत हूँ कि जिस तरह इस हमारे बैनर तले हम लोग कार्यक्रम करेंगे, उससे सुदूर क्षेत्र में जो भी लोग हमारे बच्चों लोगों को काफ़ी शिक्षा से प्रेरित नहीं है, उसको इस संगठन में ला करके जहाँ पर भी दिक्कत होगी, हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग उसको लाने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारे संगठन से जुड़ करके प्रेरित करेंगे, ताकि हमारा सुदृढ़ शिक्षा का विकास हो। आशीष सिन्हा, प्रदेश कोऑर्डिनेटर जवाहर बाल मंच, झारखंड धनबाद जिला प्रभारी ट्रेनिंग इंचार्ज। हम अपना समय उन युवाओं के बीच में व्यतीत करेंगे जो भटक चुके हैं, उनको सही उद्देश्य बताएंगे उनके जीवन का और उनको सही कार्य पर और सही लाइन पर लाने की कोशिश करेंगे और उन्हें कुछ उनका कुछ कार्य सौंपने पर वो खुद न खुद उनका व्यवहार और बर्ताव चेंज होगा और सही लाइन पे आएंगे रास्ते पे। युवा लाइन पे आए, उसके लिए कुछ अभियान वगैरह भी चलाएंगे? इनका अभियान हम सोच के चल रहे हैं, हमारे संगठन जैसे जैसे हम जोड़ रहे हैं उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उन युवाओं के लिए कुछ कार्य करने के लिए हम लोग मतलब तत्पर रहेंगे हमेशा। ये संगठन कब आप लोग बनाएंगे? ये संगठन ऑल ओवर इंडिया में पिछले 20 सालों से चल रहा है और अभी हम लोग इस संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसे धनबाद क्षेत्र में अपने जिले में विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नाम विशाल रवानी हुआ, धनबाद जिला।